हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 14, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा के विविध रूप हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा क्या है, ना तो इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत सबसे पहले जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? प्राचीन काल में क्या होता था, ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था, लेकिन कुछ मात्रा में पवन और बहते हुए जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। फिर उसके बाद ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जीवाश्म ईंधन की खोज हुई। जीवाश्म ईंधन क्या थे, जिसमें जीवाश्म ईंधन था कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह के जीवाश्म ईंधन को क्या किया गया, बाद में ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया गया। परंतु क्या है, इनको बनने में लाखों वर्षों लगते हैं और नष्ट ये बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए इसको संरक्षित करने की आवश्यकता हुई। जीवाश्म ईंधन से कुछ हानियाँ भी हैं। तो पहली हानि क्या है, एक तो पहले इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इसका भंडारण क्या है, सीमित है। दूसरा क्या है, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर वायु प्रदूषण होता है और फिर इसको जलाने पर कार्बन नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, अतः ये अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं और अम्लीय वर्षा का क्या होता है, मृदा और जल पर खराब असर पड़ता है। क्या होता है, जल का पानी अम्लीय हो जाता है, जिससे जलीय जीव मृत हो जाते हैं। उसी प्रकार से मृदा अम्लीय होने से वहाँ पर उत्पादन या वहाँ की मृदा शक्ति की कम हो जाती है। उसके बाद है, मनुष्यों में श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि होती है और तेज़ी से गर्मी